आप थोड़ी थोड़ी संख्या में जाएंगे और समय भी सुबह से लेकर शाम तक है। अचानक सुबह ही 100-150-200 की संख्या में वहां एकत्रित होना, सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हो जाता है, आपकी सेहत। खाद्यान्न वितरण जो निःशुल्क चावल का वितरण 15 से 26 को हो रहा है, उसमें 15 से 26 तक कुल 12 दिन की तिथि दी गई थी और मैंने अपील भी किया था कि लोग थोड़ी थोड़ी संख्या में जाके लें, क्योंकि दुकान सुबह 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक खुली रहती है और 12 दिन खुली रहती है। लेकिन मैं आंकड़े में देख रहा हूं कि लगभग 3 दिनों में 45% लोग राशन की दुकानों से चावल लेंगे, इसीलिए थोड़ी भीड़ बढ़ रही है राशन की दुकानों पर। कोटेदारों से जब हम अच्छा जगह हमने विजिट किया, उनसे जब पूछा तो उन्हें कहना था कि हमने मोहल्ला वाइज तो निर्धारित कर दिया था, लेकिन लोग जब चले आते हैं और उन्हें किसी को मना भी करो तो वो तुरंत फोन शिकायत करने लगता है कि कोटेदार हमारे साथ बदतमीजी कर रहा है। तो मैं लोगों से अपील करूंगा कि जहां पर कोटेदार आपको नहीं दे रहा है राशन, जेन्युइन कारण है, तब तो मुझे शिकायत जरूर कर, इसका निराकरण करूंगा। लेकिन जब अभी भी 55% लोग जो चावल लेने के लिए शेष है और दिन आज को लेते हुए 9 बचा हुआ है, तो आप थोड़ी थोड़ी संख्या में जाइए और समय भी सुबह से लेकर शाम तक है। अचानक सुबह ही 100-150-200 की संख्या में वहां एकत्रित होना, सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हो जाता है, जो आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। कोई ऐसा व्यक्ति शेष नहीं बचेगा जिसको कि चावल न मिले, हमारी गारंटी है। लेकिन तिथियां बढ़ा करके इसीलिए रखी गई थी, समय की अवधि बढ़ाई गई है कि ताकि आप आराम से जाए। मैं जो प्रबुद्ध लोग हैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि आसपास लोगों को प्रेरित करें कि आराम से जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।